सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर रामपुर से, जहां सपा सांसद आजम खान के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। भाजपा नेता ने आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आजम समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जया प्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था सपा सांसद आजम खान ने, और अब एफआईआर दर्ज हो गई है आजम खान समेत 11 लोगों के खिलाफ। आपको याद दिला दें कि लोकसभा इलेक्शन से ही आजम खान और जया प्रदा के बीच जुबानी जंग तेज थी। आजम खान बार बार मर्यादा को तार तार करते हुए बयान दे रहे थे, और अब लोकसभा इलेक्शन के बाद भी जया प्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी आजम खान की तरफ से खत्म नहीं हुई। हालांकि लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई की थी, उन पर बैन तक लगा दिया था, लेकिन बावजूद उसके आजम खान के बिगड़े बोल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, और एक बार फिर से उन्होंने जया प्रदा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था जो दूर दूर तक मर्यादा से कनेक्ट नहीं होती है, यानी मर्यादा को सीधे तौर पर उलांघते हुए आजम खान ने बयानबाजी की थी, विवादित बयान दिया था। नवाबों के शहर की पहचान रखने वाले शहर लखनऊ में अब लोगों को स्मारकों में जाने के लिए ड्रेस कोड का पालन करना होगा। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा देखने आने वाले पर्यटकों को, खासकर महिलाओं को, अब पूरे कपड़े पहनने होंगे, यानी शॉर्ट स्कर्ट शॉर्ट्स पहनकर कोई भी महिला अब इन स्मारकों को देखने के लिए नहीं जा सकेगी। ये रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, ऐलान आपने सुन लिया। पहले सिर ढकिए फिर जाइए, क्योंकि आप इमामबाड़े में हैं। तहजीब के शहर में प्रशासन का ये नया फरमान है। अगर इमामबाड़े में जाना है तो पूरे कपड़े पहनकर आइए और सिर ढककर ही अंदर जाइए। यानी इमामबाड़े में आने जाने के लिए पहनावा प्रशासन ने तय कर दिया है। यहाँ आपके पहनावे पर आपकी आजादी नियम की पाबंदी में है। अगर स्कर्ट या शॉर्ट पहनकर आ गए तो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हुसैनाबाद ट्रस्ट की मांग पर प्रशासन ने ये फैसला किया है। दलील धार्मिक भावनाओं की कद्र करने की है। हुसैनाबाद ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी, और हुसैनाबाद ट्रस्ट की मीटिंग में ही ये निर्णय हुआ था कि जो सिक्योरिटी है, जो गाइड की व्यवस्था है, वो ठीक की जाए। उसी में बिंदु आया था कि यहाँ पे कई बार कंप्लेंट की जाती है लोगों के द्वारा कि इसमें कुछ लोग ऐसे कपड़े पहन के आते हैं जो इनडिसेंट होते हैं, और ये जो हमारी रिलीजियस बिल्डिंग का भी इसमें थोड़ा प्रारूप है और हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी है, और इसमें मेन पर्पज ये है कि पब्लिक को अवेयर कर दिया जाए कि यहाँ पे कोई भी इनडिसेंट कपड़े पहन के ना आए। इमामबाड़े में इबादत गाह के चलते पाबंदी की है, और नियम देशी विदेशी सभी पर्यटकों पर लागू है। नवाबी शान के शाहकार इमामबाड़े को देखने देश और दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन अब हर आने वाले को इन पाबंदियों की तामील करनी होगी। इमामबाड़े की जिम्मेदारी संभालने वाले हुसैनाबाद ट्रस्ट को इमामबाड़े में लोगों के उस पहनावे पर एतराज था जो कि उनकी नजर में भड़काऊ है, इसीलिए ये फैसला किया गया, और अब प्रशासन ने इस फैसले पर मुहर लगाकर इसे लागू कर दिया है। हमको मतलब जो अनऑथराइज कपड़े पहनकर आते हैं यहाँ लोग, उनको बिल्कुल बंद करना है, उनको बिल्कुल अंदर नहीं जाने देना। जो सही प्रधान में नहीं आते यहाँ पर, उनको वापस करना है यहाँ पर, किसी को नहीं आने देना है अंदर, बिल्कुल डीएम साहब का ऑर्डर है, यहाँ अंदर नहीं आना। वजह जो भी हो, लेकिन फरमान लागू हो चुका है, और फिलहाल यहाँ आने वाले लोग भी इसे ठीक बता रहे हैं। डीएम साहब का आदेश तो सही है, क्योंकि ये सब यहाँ पर्यटक लोग आते हैं, और किस तरह से उनका नजरिया, देखने का क्या नजरिया है। अगर हम भड़काऊ कपड़े पहन के आएंगे तो उन लोगों का नजरिया बेशक नहीं होगा, लेकिन सोच उनकी सोच पे कुछ तो असर पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता है, सभी पब्लिक स्पॉट पे सब चीजें नहीं अच्छी लगती है, शोभनीय लगती हैं। इन लोगों को इस पाबंदी पर एतराज नहीं है, लेकिन सबको ये फरमान सही लगे जरूरी नहीं। किसी खास जगह पर किसी खास पहनावे की पाबंदी को यूं तो मान भी लिया जाए, लेकिन इमामबाड़े जैसे किसी पर्यटन केंद्र में आने वालों को कपड़े तय किए जाएं, ये कई मायनों में कई सवाल खड़े जरूर करता है। खैर, फिलहाल ये तो लागू है, और इसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं। अब भड़काऊ कपड़े पहनकर इमामबाड़ा और बड़े इमामबाड़ा और छोटे इमामबाड़े में नहीं जा पाएंगे, और साथ ही अंदर फोटोग्राफी पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा।